आज मैं आपसे बात करूंगी आपकी एक आदत की। जी हाँ, इस आदत को बदलने की ज़रूरत है अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में जो इलेक्ट्रिसिटी का कारक है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं, उसका कारक प्लैनेट है राहु। राहु अगर आपका अच्छा है तो ज़िंदगी में आप जो सोचेंगे उसे अचीव कर पाएंगे। हाइट पे ले जाना राहु का काम है। बुद्धि सोच का कारक राहु है। अब खास बात ये है कि अगर आप घर छोड़कर निकलते हैं, मतलब घर से बाहर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं और लाइट पंखे खुले छूट जाते हैं, अगर ये आपकी आम आदत है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम नहीं वेस्ट करते हैं, तो इस आदत को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि इस आदत से ये समझा जा सकता है कि आपका राहु अच्छा काम नहीं कर रहा। और अगर आपका राहु अच्छा काम नहीं कर रहा तो आपकी थॉट्स कभी भी फोकस नहीं होंगी, आप चाहकर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे, आप जो सोचेंगे उसका उल्टा होगा। इसीलिए राहु को अपने फेवर में करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिस्पेक्ट करें, बिजली का जितना उपयोग है उतना करें। मैं ये नहीं कह रही कि गर्मी है और आप एसी बंद करके बैठ जाएं और आपका राहु ठीक होगा, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना है, वेस्ट नहीं करना है। कुछ लोगों की आदत होती है चार्जर में, पावर प्लग में वो चार्जर लगा कर छोड़ते चले जाते हैं। ये सब खराब राहु के इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब खराब राहु के रिप्रेजेंटेशन है। इस आदत को बदलिए, अपने राहु को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी सोच का फ़ायदा पूरी तरह से आप ले पाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और लाइफ में ग्रो करेंगे। इसलिए प्लीज़ चेंज दिस हैबिट।